गया, इंजेक्शन के लिए आए हैं, 9 बजे की टाइमिंग है। लेकिन ये है सरकारी हॉस्पिटल का काम, अभी बज गए हैं 10 और ये देखो बाहर इतने लोग अभी लाइन लगा के खड़े हैं, आधे लोग ये सोने वाले नहीं है, इन्होंने तो आज दिन खराब। हे गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी बज रहे सुबह के 4:30 और मैंने कुकर में अभी सीटी आ गई है, देखिए छोले उबालने के लिए रखे हैं, खाना बन रहा है। क्योंकि 4:30 बजे मैं इसलिए उठ रही हूँ क्योंकि इसका एक रीज़न है, आपको दिखाती हूँ क्या रीज़न है। ये देखिए आप जो है, देखिए सुबह के 4:30 बज रहे और उठ के बैठ गए ऐसे जैसे पता नहीं कोई, एकदम 10-11 बज रहे हो सुबह के। ये कोई उठने का टाइम है कि हमारी नींद खराब करने का टाइम है तुम्हारा? ये क्या टाइम होता है 4:30 बजे उठने का? नहीं तो हूँ क्या? तो मैंने सोचा चलिए जब तक ये उठ ही गए, देखो देखो कैसे टीशर्ट उठा रहे। मैं इनका बस अभी डायपर वगैरह मैंने चेंज किया है तो मुझे लगा था ये सो जाएंगे, लेकिन सो ही नहीं रहे। तो मैं अभी उल्टा खेलने में लग गई है, तो मैं सोच रही हूँ इनकी थोड़ी सी मालिश कर देती हूँ, सुबह सुबह ही कर देती हूँ, क्योंकि आज जाना है इनके वैक्सीन के लिए, इनको लगना है आज टीका। तो इसलिए तो मैंने कहा चलो जब तक मालिश वालिश हो जाए इसकी, क्योंकि फिर 2-3 दिन तो मालिश होनी ही नहीं है इसकी। अभी बज गए 5:30, इनकी कर दी है मैंने मालिश, लेकिन ये जनाब सोने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहे। तन्नू इधर देखो बेटा, इधर देखो तशु, देखो इधर बेटा, देखो इनको दिखाती हूँ। ये देखो इनकी आंखों में नींद नहीं है, एक मिनट आपको दिखा। ये सोने वाले नहीं है, इन्होंने तो आज दिन खराब करते। ये देखो इनकी आंखों में बिल्कुल नींद नहीं है। सो जा बेटा, सो जा, सो जा, सो जा, सोने दे, एक घंटा और भैया का स्कूल का टाइम हो जाएगा। ये नहीं सोएंगे, काम ही कर देते हैं। चलो तुमको तो सोना नहीं है, चुप रहो। और ये जा रहे हैं टीका लगवाने आज 3.5 महीने का, और रो रहे हैं। हम लोग अभी निकल चुके हैं, इसका आज वैक्सीनेशन हो रहे हैं। ये देखिए जनाब सो रहे हैं, सोते भी जा रहे हैं। ये ना सोए हुए थे, सोते सोते में इसको हम लोग लेके आ गए। ये सही रहा था शाम, मतलब सुबह टाइम पर चेंज कर दो, पूरा मूड खराब हो रहा है, सोया हुआ है। मेरे को ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन ये बोले पहन ले, बाहर ठंड हो रही थी, फिर भी हाफ पहन ली ऐसे, बस ठंड हो नहीं रही थी। आप देखो जी, ये जाग गए, टुन्ना जाग गए, जाग गए ना। हम कहाँ जा रहे हैं? टुमा टुमा करने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग बस पहुँचने वाले 10 मिनट में, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है घर से, मतलब 20 मिनट, लगभग 20 मिनट का रास्ता है यहाँ से जहाँ जाते हैं हम लोग वैक्सीन के लिए। 20 मिनट में शायद ज़्यादा बोल रहे हो ना दशरेपा, 20 मिनट तो लग ही जाता हो शायद। ये रेजिडेंस एरिया है, ये हॉस्पिटल है, ये एम्बुलेंस वगैरह खड़ी है यहाँ पे, देखो लगवा के तो आ रहे लोग। यहाँ तो एक बदमाश है, बड़ी खुशी हो रही है इसका। ये पूछ लूँगा डॉक्टर से कि इसको ऐसे बाल पूछ लूँगा, एक बार ऐसे पूछ लूँगी, दवाई नहीं दूंगी।
हूँ, आज लगता है बच गया। इंजेक्शन के लिए आए हैं, 9 बजे की टाइमिंग है, लेकिन अभी तक 9:30 बज गए, कोई आया नहीं है। और ये भी इंजेक्शन लगवाने के लिए आए हैं भैया, और भी लोग आए उधर है ये। और अंदर रूम एकदम खाली, कोई आया नहीं, डॉक्टर भी आए हैं इंजेक्शन के लिए, है ना। हम लोग कर रहे हैं वेट अभी बाहर बैठ के, पूरे हॉस्पिटल में लगभग कोई है ही नहीं। ये रहा टाइमिंग, ये है सरकारी हॉस्पिटल का काम। अभी बज गए हैं 10, और ये देखो बाहर इतने लोग अभी लाइन लगा के खड़े हैं, आधे लोग वापस चले गए हैं। और अभी रूम नंबर है ये 27, और 27 का ये हाल है कि अभी तक यहाँ कोई टीका लगाने के लिए नहीं आया है। और ये भी परेशान हो रहे हैं, मेरी गोदी में बैठे हैं। सो गाइज, मैं आ गई हूँ घर, मतलब मुझे हो गया आए हुए, आधा घंटा हो गया है मुझे आए हुए, क्योंकि मैं आके वो इतना रो रहा था ना, तो पहले उसको चुप कराया, दूध पिलाया, दूध पिला के जब वो सो गया, थक गया था, सोया है। और आज इंजेक्शन भी लगाया उसको, तो फीवर भी आ रहा है, तो इसलिए उसको दवाई दी है फीवर की। और उसके बाद मैं आज सुबह ना कुछ खा के नहीं गई थी, इसलिए मैं खा रही हूँ। तो मैंने सोचा पहले गर्म कर लूँ, थोड़ा सा राइस बचा था रात का, सब्जी बची थी, तो थोड़ा गर्म हो जाएगा ना तो ठीक लगेगा खाने में, खा लेती हूँ। खाने के बाद फिर देखते हैं कि क्या करेंगे। वैसे मैं सारा काम करके गई थी यार घर का, ज़्यादा कुछ मुझे करना नहीं है। खा लेते हैं पहले, बहुत तेज भूख लग रही है। दक्ष के पापा आते ही ऑफिस निकल गए, क्योंकि उनको आज ऑफिस की तरफ से कहीं जाना था, वो भी लेट हो रहे थे तो वो भी निकल गए। लेकिन वो सुबह ब्रेकफास्ट करके गए थे, और लंच ना मैंने उनका पैक करके, मतलब हम सब कुछ तैयार करके रखा था, बस उनको बैग लेके निकलना था। और अभी मैं रात के चावल खा रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये रे रात के चावल, पनीर की सब्जी सुबह बनाई थी मैंने, आलू और पनीर की सब्जी। ईशान सो गए हैं, चलिए खाती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, अभी मैं आ गई हूँ बाहर, तक्ष को लाने का टाइम हो गया, थोड़ी देर आराम किया था। इसको भी साथ लेके आई हूँ, क्योंकि ना ये थोड़ा, मतलब इंजेक्शन तो आज लगा है, बट क्या करें, छोड़ नहीं सकते, ये सोया हुआ था घर पे, थोड़े थोड़े अभी बाहर आके जाग गया, क्योंकि बच्चों को ऐसे छोड़ना ठीक नहीं होता, कभी घर पे छोड़ दो और पीछे से रोने लगे तो ये भी डर की बात है। और मेन गेट तक जाना पड़ता है सोसाइटी के, इसलिए तो चलिए मैं उसको ले लेती हूँ, घर पहुँच के फिर बात करती हूँ, क्योंकि दोनों को संभालना तो मुश्किल हो जाएगा साथ में। हे गाइस, सो मैं अभी आ गई हूँ, एक मिनट, ये चल रहा है, मुझे कैमरे में दिखाई दिया ये चल रहा था, बंद करती हूँ। आ गई हूँ तक्ष को स्कूल से लेके, और देखो तक्ष को स्कूल से ला के बस ड्रेस व्रेस चेंज करके, और बस उसने खाना खाया, मैंने अभी खाया भी नहीं, क्योंकि शाम बहुत रो रहा था। और देखो टाइम जो हो गया है वो 3:30, घड़ी दिख भी नहीं रही होगी सही से, 3:30 ऑलमोस्ट शाम का टाइम हो गया। मैंने चेंज वगैरह करके, मेरा इतना सर में दर्द हो रहा था, मैंने खाना भी नहीं खाया था, तो मैं ना पहले बना रही हूँ अपने लिए चाय, और चाय बना के तब मैं साथ में खाना खाऊंगी, क्योंकि मैं सच में आज लिटरली बहुत थकी, क्योंकि तिशान आज बहुत परेशान कर रहा है, उसको लग गया है इंजेक्शन आज, तो आज तो उसने बस हालत ख़राब करी हुई है। तो मैं चाय मेरी बन रही है, मैं पहले खाना खाने जा रही थी, 3:30 बज गए हैं ऑलमोस्ट शाम का टाइम, देखो मुझे हो जाता है करते करते, क्योंकि उस वक्त वो इतना रो रहा था, 3 तो बज जाते हैं हमें घर आते आते, फिर उसको चेंज करो, तक्ष को उसको खाना दो, वो खाना खाएगा, फिर उसी बीच में ये रो रहा था, तो मैंने इसको चुप करा के अभी सुला दिया। तो फाइनली जब वो सोया है तो मैंने कहा चलो चाय पी ली जाए थोड़ी सी, सर्दी में यही मजे है, मेरी चाय यहाँ बन रही है, मैंने इसी पतीले में बना दी चाय, क्योंकि मैंने वाला धोया था, और आवाज़ होगी अगर मैं बर्तन कोई भी निकालूंगी, और मैं नहीं चाहती वो अभी इतनी जल्दी उठे, आराम करे तो उसको उतना ही आराम मिलेगा। फीवर की दवाई मैंने उसको दे दी है, चलिए मैं खा लेती हूँ आराम से पहले, फिर इस ब्लॉग का भी ना मैं एंड कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा वरना, और तो इस ब्लॉग का करते हैं एंड, जल्दी ही नए ब्लॉग मिलेंगे। जब तक आप इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए,
चैनल पे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर कर दीजिए गाइस, बस और कुछ नहीं, इतना ही। न्यू ईयर का गिफ्ट दे दीजिए अच्छा सा मुझे अपनी तरफ से। चलिए फिर, ओके बाय बाय ऑल।